आज हम स्टडी करने वाले हैं ये यूनिट का लास्ट पार्ट, दैट इज़ एडाप्टेशंस। तो अलग अलग तरह के एडाप्टेशंस करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन वर्ड का मतलब क्या है? एडाप्टेशन का मतलब है एडजस्टमेंट। किसने की एडजस्टमेंट? ऑर्गेनिज्म में। क्यों की एडजस्टमेंट? क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बार बार बदल रहा है। तो एनवायरनमेंट बार बार जब बदल रहा है तो ये ऑर्गेनिज्म को या तो एडजस्ट करना पड़ेगा या वो ऑर्गेनिज्म विल डाई। तो उसको या तो मरना प्रिफर करना पड़ेगा या खुद में चेंज लाना प्रिफर करना है। सो दिस एनिमल हैज़ प्रिफर्ड एडजस्टमेंट। सो एनिमल हैज़ एडजस्टेड टू द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एज एडाप्टेशन। एनी कैरेक्टर दैट इज एडवांटेजियस टू द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। यदि कोई ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर यदि उसको एडवांटेजियस हो रहा है, हेल्प करना है सर्वाइवल के लिए, तो वो उसके लिए उसके सर्वाइवल के मतलब जिंदा रहने के चांसेस को बढ़ाएगा, उसको भी हम कहेंगे एडाप्टेशन। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टेंडेंसी टू एडजस्ट विद द एवर चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमेशा सर्वाइवल के लिए अपने एडजस्टमेंट करते रहता है। द एडाप्टेशन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये जब हमने डार्विन की स्टडी थियरी स्टडी की थी वहाँ पर ये पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। एडाप्टेशंस मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एडाप्टेशंस। All the three types of adaptations help the organism to live successfully in the environment. पहले हम स्टडी करेंगे एक्वेटिक एडाप्टेशन। एक्वेटिक एडाप्टेशन वो उन एनिमल्स में देखे जाते हैं जो एनिमल्स पानी में रहते हैं। सो फिशेज इज द बेस्ट एग्जाम्पल एज यू ऑल नो, क्योंकि फिशेज दे लिव इन वाटर एंड दे आर मोर एडाप्टेड टू द एक्वेटिक लाइफ। अब दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी देख लेंगे, जैसे है ऑक्टोपस, टर्टल और क्रैब। ये ऑर्गेनिजम्स भी ये पानी में रहते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स ने भी कुछ चेंजेस किए हैं अपने बॉडी में, तो उनके बारे में जानेंगे। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, दैट यू ऑल नो दैट। पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो अब जब ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो इनको ब्रीथ करने के लिए या सांस लेने के लिए उन्होंने डेवलप किए ऑर्गन्स जैसे गिल्स। लेकिन जो व्हेल्स और डॉल्फिन्स होते हैं ये एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि दीज एनिमल्स आर मैमल्स। अब ये मैमल्स है तो उनमें गिल्स नहीं होंगे, मैमल्स में लंग्स होते हैं। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, इनको जब सांस लेना है तो दे कम टू द अपर लेयर ऑफ वाटर और पानी में से ऐसे मुंह बाहर निकालते हैं हवा में और बहुत सारा ऑक्सीजन इनहेल कर लेते और फिर नीचे चले जाते हैं पानी में। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव डेवलप्ड फिन्स और पैडल दैट हेल्प देम टू स्विम, क्योंकि उनको लोकोमोटरी ऑर्गन चाहिए तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, खाना ढूंढ पाएंगे, इसके लिए उन्होंने फिन्स को डेवलप किया। फिर उनकी बॉडी का शेप कैसे है? बॉडी का शेप है स्ट्रीमलाइंड। आप स्ट्रीमलाइन देखोगे, सामने से भी पॉइंटेड है, पीछे से भी पॉइंटेड है और बीच में मिडिल में जाड़ा है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन की वजह से क्या होता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर एट द फ्रंट द एंटीरियर रीजन हेल्प्स दिस एनिमल टू ऑफर लेस रेजिस्टेंट टू वाटर।
जैसे आप देखोगे कि हवाई जहाज, एरोप्लेन का भी जो सामने का हिस्सा होता है वो टेपरिंग होता है। तो टेपरिंग क्यों होता है? बिकॉज द इट इज मूविंग इन द एयर, फ्लाइंग इन द एयर, एंड फ्लाइंग इन द व्हेन इट इज फ्लाइंग इन द एयर इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस, टू ऑफर लेस रेजिस्टेंस दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग पॉइंटेड अप पॉइंटेड एंड, तो वो जल्दी से लेस रेजिस्टेंस से घुस पाता है। दीज एनिमल नीड टू स्विम फास्ट, क्योंकि कोई आके उनको खा न ले, इस वजह से ये एनिमल्स बहुत फास्ट तैरते जाते। अब देखो इनमें, मैमल्स कैन ओनली ब्रीद इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू द लंग्स, सो मैमल्स दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वाटर हैव नॉस्टल्स एट द टिप ऑफ द स्नाउट, मतलब उनका जो स्नाउट है वहाँ पे उनको दो छेद है और वो छेद से वो सांस ले पाते हैं। और मेनी एक्वेटिक एनिमल्स आर मॉडिफाइड विथ ह्यूज लिम्स टू प्रोपेल वाटर इन वाटर, ये वाले एनिमल में सील्स में देख सकते इनके लिम्स कैसे हैं, यहाँ पे डक और फ्रॉग में भी देख सकते कि इनके लिम्स कैसे हैं, तो जैसे वो फ्लिपर के जैसे, पैडल के जैसे उनको यूज़ कर सकते और दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। ये सब हो गया एक्वेटिक एडाप्टेशन के बारे में। अब हम जानेंगे डेजर्ट एडाप्टेशन के बारे में। अब आप सबको मालूम है डेजर्ट का जो एनिमल है जिसको कॉमनली हम डेजर्ट एनिमल बोलते वो है कैमल। कैमल के अलावा भी डेजर्ट एनिमल्स है जैसे स्पाइनी लिजर्ड या डेजर्ट रैट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। अब डेजर्ट मतलब क्या चीज़ है आपको मालूम ही होगी। तो डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से अडाप्ट किया कि वो डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सकते। अब डेजर्ट में आपको पता है डेजर्ट रीजन क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। तो पानी की कमी है तो इन्होंने क्या किया, अपने बॉडी में इस तरह से कुछ मैकेनिज्म डेवलप किया कि उनकी बॉडी वाटर को स्टोरेज करती है। इन सच कंडीशंस ऑल एडाप्टेशंस आर डायरेक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग वाटर, कंजर्व वाटर एंड थर्मोरेगुलेशन। तो आपको पता है कि डेजर्ट में एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इनकी बॉडी ने क्या किया, एडाप्ट किया अपने आप को कि उनकी बॉडी बार बार वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, क्योंकि एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ यदि बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ता रहा तो वो बॉडी के टेम्परेचर को बार बार कम करता है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। तो इन्होंने ये फीचर एडाप्ट किया अपने बॉडी में थर्मो रेगुलेशन का। दूसरा है वाटर कंजर्वेशन एंड ऑब्टेनिंग वाटर। अब हवा में से पानी को खींच लेना, पानी में तो हवा में तो बहुत कम पानी है, क्योंकि डेजर्ट रीजन जो है वहाँ पे बहुत कम पानी होता है। तो इन्होंने ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए कि हवा में भी थोड़ा सा भी पानी होगा तो इनकी बॉडी वो उसको खींच लेती है और वो पानी को कंजर्व करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेजर्ट एनिमल कैमल का एग्जाम्पल, इसने क्या किया, लॉन्ग आई लैशेज को डेवलप किया। तो ये लॉन्ग आई लैशेज क्या होते हैं, आई को कवर करते हैं, नहीं तो वो बारीक रेत जो होती है वो उनकी आँखों में चली गई रहती। इनके जो नाक नॉस्ट्रिल होते हैं वो भी ऐसे ऊपर की तरह होते हैं, सो दैट उनके हवा से उनके नाक के अंदर रेत ना चली जाए। माउथ जो होता है वो लेदरी होता है। हेल्प कैमल ईट स्पाइकी प्लांट्स, मतलब ये जो डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर जेरोफाइट प्लांट्स होते हैं, और वो जेरोफाइट प्लांट्स में सब स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, कांटे होते हैं, तो वो कांटे इनको ना चुभे इसके लिए इनका माउथ जो होता है वो लेदर के जैसे होता है। इनके बैक पे आप देखोगे ऐसे बैक पे हम्प है और वो हम्प पे सब हेयर्स है, तो हेयर वो क्या करता है, इनको सन से प्रोटेक्ट करता है। अब हम्प की क्या ज़रूरत है, हम्प उनको फूड स्टोर करने में मदद करता है। इनके पाँव जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, तो क्या होता है
कीप एनिमल की बॉडी को वो गर्म जमीन से ऊपर रखता है, हॉट सैंड से ऊपर रखता है, इसकी वजह से इनकी बॉडी ठंडी रहती है। एंड पाव जो होते हैं वो पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़मीन की या सैंड की गर्मी ना लगे और उनके पाव वो रेत के अंदर धंस न जाए, इसके लिए इनके पास ऐसे पैडेड फुट होते हैं। ये देख सकते हैं आप कैमल्स के अडाप्टेशन जो मैंने आपको अभी बताए, वो सारे अडाप्टेशंस आप फिर से ये एनिमल में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे टेरिस्ट्रियल अडाप्टेशंस। टेरिस्ट्रियल अडाप्टेशन मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स ने ज़मीन पर रहना सीखा है उनको हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल अडाप्टेशंस। काय के लिए उन्होंने ज़मीन पर रहना सीखा? उन्होंने ज़मीन पर रह पे फास्ट भागना सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि उनको अपने एनिमी से भाग के जाना है, बचना है। तो दे शो फॉलोइंग अडाप्टेशंस, दे आर बाइपेडल और क्वाड्रेपेडल। बाइपेडल का मतलब है या तो वो दो पाँव पे चलते हैं, क्वाड्रेपेडल का मतलब है वो चार पाँव पे चलते हैं। दे रन ऑन डिजिट्स, तो उनकी उंगलियों जो होती है उन पे रन करते हैं वो, दैट इज डॉग एंड टाइगर। द शेप ऑफ द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड लिम्स आर एलोंगेटेड, उनके पाँव जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं एंड उनकी लिम्ब शेप ऑफ द बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड बॉडी हमने देखी थी एक्वेटिक एडाप्टेशन में, फिश की बॉडी जो होती है वो एक्वेटिक एडाप्टेशन में स्ट्रीमलाइन होती है। इनके शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत मस्क्यूलर एंड वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि यदि उनको दौड़ के जाना है, भागना है, फास्ट दौड़ना है, तो उनके हाथ पाँव को स्ट्रॉन्ग मसल्स की ज़रूरत है। यदि मी वीक मसल्स होंगे तो वो दौड़ नहीं पाएंगे। कर्सोरियल अडाप्टेशन, कर्सोरियल अडाप्टेशंस यहाँ पे आप देखोगे बॉडी जो होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन होती है। कॉकरोच में थ्री पेयर्स आप देखोगे कर्सोरियल अडाप्टेशन के, यहाँ पे लेग्स है कॉकरोच के दिखाए गए, ये हो गया कॉकरोच का कर्सोरियल अडाप्टेशन। इसकी बॉडी जो है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन है, थ्री पेयर्स ऑफ लॉन्ग जॉइंटेड थोरेसिक लेग्स है इसके बॉडी में प्रेजेंट, और उसमें एडिजिव पैड्स है जो बिना आवाज़ किए किचन में आते हैं रात को, हमको पता भी नहीं चलता वो क्यों रहते हैं उनके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लांटिने। एंड लेग्स ऑफ कॉकरोच एंड्स विथ पेयर्ड क्लॉज विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा ग्रिप, एक्स्ट्रा ग्रिप रहती है जब वो कहीं चढ़ के जाते हैं। तो ये हो गया अपना तीन टाइप का अडाप्टेशंस। तो दैट्स ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर एंड थैंक यू।